हेलो एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो एनाटॉमी में जैसे हम मेजर जो पार्ट है, अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, इन सब में ना बहुत सारी टर्म्स आएंगी जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगी, और आपको वहाँ पे डायरेक्टली बुक्स में लिख दिया जाएगा कि मीडियल है, लैटरल, डिस्टल और कोई एनाटॉमिकल पोजिशन, सुपाइन, प्रोन। तो वो टर्मिनोलॉजी आपको पहले से ही एक जगह समझ लेनी चाहिए, जिससे कि जो मेजर जो पार्ट है आपका, जो अपर लिम वगैरह आएंगे, वहाँ पे पढ़ना उनको आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। जैसे कई बार बोल देते हैं मीडियल, मीडियल का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, यहाँ जो है ये जो जगह है ये मीडियल कहलाती है, ये लैटरल है। डिस्टल का मतलब ये वाला पार्ट डिस्टल हो गया, ये प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया। ओके, सुपाइन पोजीशन, हम सीधे लेटे हुए हैं वो सुपाइन हो गई, प्रोन पोजिशन, हम उल्टे लेटे हुए वो प्रोन पोजिशन हो गई। तो ऐसा वर्ड्स आएंगे बहुत सारे, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं एनाटॉमी में, और उन टर्म्स की वजह से भी एनाटॉमी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हम एक जगह पे ही पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें आगे जो सबसे कोई लेक्चर्स हैं वो पढ़ने आसान हो जाए। और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती हैं, और वो क्या होती हैं कि सब जगह पे ना एक ही टर्मिनोलॉजी चलती हैं। तो जैसे मीडियल है तो वो सब जगह मीडियल ही बात करेंगे, मीडियल, लैटरल, इन जो टर्म्स में बात करते हैं वो सेम हर जगह सेम टर्म्स में बात होती है। तो वो यूनिवर्सल बना दी गई है, जिससे कि ये प्रिसाइज साइंस कहलाती है कि भाई सब कुछ यूनिवर्सल है और उसके पर्टिकुलर नाम है। तो एनाटॉमी में ना वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि नाम आपको याद रखने होते हैं, वर्ड्स हैं। जैसे कोई डिस्क्राइब करनी है कोई चीज़, वो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स में डिस्क्राइब करनी होती है, ऐसे हैफजर्ड नहीं डिस्क्राइब करना होता, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं हर चीज़ के लिए, स्पेसिफिक लाइन्स हैं। तो एनाटॉमी में आपको ना समझ के उसके बाद उसको याद भी करना जरूरी होता है। ओके, तो अब हम इसमें आते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी की पोजीशंस की। तो जो बॉडी की पोजीशन है वो चार पोजीशंस कॉमन पोजीशन है। एक है एनाटॉमिकल पोजीशन, दूसरी है सुपाइन पोजीशन, तीसरी है प्रोन पोजीशन, और चौथी है आपकी लिथोटमी पोजीशन। सबसे पहले है एनाटॉमिकल पोजीशन। तो देखो, बेसिक जो है एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब आप सीधे खड़े हुए हो और जो आपके पाम है फॉरवर्ड है, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये जो पोजीशन है वो आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है, जो कि मैंने इस डायग्राम में रफ डायग्राम बनाया है और ये एनाटॉमिकल पोजीशन शो करी है, ठीक है। लेकिन अब आप एग्जामिनर के सामने या फिर किसी के सामने ऐसे तो नहीं बोलोगे बस सीधे खड़े हो गए, ये पोजीशन हमारी जो है एनाटॉमिकल पोजीशन है। उसके पर्टिकुलर हर एक वर्ड होता है इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलेंगे कि भाई हमारी इसमें जो है बॉडी इज इरेक्ट, मतलब बॉडी सीधी है, आईज आर लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, हैंड्स की पोजीशन बतानी है, लेग्स की पोजीशन बतानी है, इस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब किया जाता है। कोई भी पोजीशन बतानी है, कोई भी वर्ड बताना है। जैसे अब इसमें जो एनाटॉमिकल पोजीशन, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया कि ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंस है, कि ये जो वर्डिंग्स होती है एनाटॉमी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अब हम अगर एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि बॉडी कैसी है। बॉडी इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी है बॉडी, हम सीधे खड़े हुए, सीधी बॉडी है। आईज आर फॉरवर्ड लुकिंग, आईज हमारी कहाँ देख रही है, सामने देख रही है। ऐसा नहीं कि आईज इधर देख रही है, इधर देख रही है, नहीं, वो पोजीशन हमारी एनाटॉमिकल में नहीं है, हम सीधे देख रहे हैं। आईज आर लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, एंड दे लुक स्ट्रेट। देन अगर अपर लिम की बात करें तो अपर लिम कैसे है, देखो ये देखो, दे आर हैंग बाय द साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के साइड में हैंग कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, दे आर हैंगिंग ऑन द टू, मतलब ऑन द बाय द साइड ऑफ द बॉडी। पाम की पोजीशन बतानी है आपको, तो पाम ऑफ हैंड टर्न फॉरवर्ड, ये आपके फॉरवर्ड है। देखो ये पोजीशन होते हैं साइड, मतलब हम बोलेंगे पाम इज टूवर्ड्स ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, बट इट इज द फॉरवर्ड। तो पाम इज फॉरवर्ड एंड दैट इज नोन एज एनाटॉमिकल पोजीशन में आपके जो पाम ऑफ द हैंड है वो फॉरवर्ड होते हैं, फाइन। फिंगर्स की पोजीशन बतानी है, फिंगर्स कैसे हैं, दे आर पॉइंटेड स्ट्रेट डाउन, ये फिंगर आपकी स्ट्रेट है, डाउन है, सो फिंगर्स आर पॉइंटेड स्ट्रेट है डाउन, एंड पाम्स आर लाइक दिस, ओके। देन लोअर लिम, लोअर लिम कैसे जा रहे हैं आपके, दे आर पैरेलल टू वन अनदर, इसके और इसके दोनों आपस में पैरेलल हैं, अलोंग विद दिस एरिया ऑल्सो। अब इसमें जो फीट है, फीट को बताना पड़ेगा, फीट कैसे है आपके, फीट आर फ्लैट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे फ्लैट रखे हुए ये, ठीक है, दिस इज द पोजीशन। एंड टोज कैसे हैं, पॉइंटेड फॉरवर्ड, तो दिस पोजीशन इज नोन एज अ एनाटॉमिकल पोजीशन। अब इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है,
क्योंकि मेडिकल फील्ड में हम किसी भी बॉडी पार्ट को, किसी भी रिलेशन को, बॉडी पार्ट को किसी चीज़ दूसरे चीज़ के रिलेशन के हिसाब से या स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमिकल मानते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन के रेफरेंस में बताते हैं, मतलब मानते हैं कि बॉडी जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में है और उसके हिसाब से हम बॉडी के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन थे फंडामेंटल पोजीशन। तो फंडामेंटल जो पोजीशन है वो एनाटॉमिकल पोजीशन जैसी ही है, लेकिन बस इसमें जो पाम फॉरवर्ड ना होके साइड में है, यानी ऐसे बॉडी के साइड में है, बाकी पोजीशन सारी की सारी ऐसी ही है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पोजीशन, फंडामेंटल पोजीशन, ओके। दूसरी पोजीशन आती है सुपाइन पोजीशन। आप देखोगे सुपाइन पोजीशन का मतलब है हम जैसे किसी भी काउच पे या किसी बेड पे हम लेट गए सीधे और हम ऊपर देख रहे हैं, वही हमारी सुपाइन पोजीशन है, ओके। एस फॉर सुपाइन, एस फॉर सुपीरियर, ऊपर है, ऊपर देख रहे हो आप, इस तरह से याद रख सकते हो। तो ये अगर हम इसको डिस्क्राइब लेकिन अगर करना है हमें प्रॉपर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। प्रॉपर कैसे डिस्क्राइब करोगे? दैट बॉडी इज लाइंग, बॉडी इज लाइंग ऑन द बैक, यानी हम कमर के सहारे लेटे हुए हैं। So body is lying on the back with the eyes seen toward, eyes seen upwards. हमारे आंखें जो ऊपर देख रही हैं and body is erect on the couch. Fine. तो हम कुछ इस तरीके से describe कर सकते हैं that body is lying on the bed and the eyes are looking upward. So that is supine position. अब अगर इसी का उल्टा मान लें, यानी कि हम पेट के बल लेते हुए उल्टे लेट गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है? बॉडी इज लाइंग ऑन द एब्डोमेन या ऑन द बेली, इसको हम एब्डोमेन को, इसमें बेली है, ऑन द एब्डोमेन और ऑन द बेली एंड अवर आईज आर लुकिंग डाउनवर्ड, ओके। तो इसके अपोजिट जो पोजिशन है वो प्रोन पोजिशन है। चौथी पोजीशन आपकी है लिथोटमी पोजीशन। तो ये पोजीशन लिथोटमी पोजीशन कहलाती है। जो गायनोकोलॉजिकल ओपीडीज हैं वहाँ पर जब एग्जामिनेशन करते हैं वेजाइना का एंड फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स का, तो वो लिथोटमी पोजीशन में किया जाता है और डिलीवरी भी लिथोटमी पोजीशन में की जाती है। तो दिस पोजीशन इज बेटर फॉर सीइंग द वेजाइनल पार्ट्स एज वेल एज द पेल्विस एरिया इज क्लियरली विजिबल और बेटर विजिबल इन द लिथोटमी पोजीशन। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? अगेन वर्ड्स का इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी में। इसको डिस्क्राइब करोगे बॉडी इज लाइंग ऑन द बेड, और यू कैन से नॉट द बेड, बेड इज नॉट अ बेटर वर्ड बिकॉज वो काउच भी हो सकता है। तो बॉडी इज लाइंग ऑन द बैक, मीन्स बैक के थ्रू लेटा हुआ, बॉडी इज लाइंग ऑन द बैक विद हिप्स एंड नी आर इन सेमी फ्लेक्स पोजिशन। आगे आप पढ़ोगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन पढ़ोगे आगे। फ्लेक्शन का मतलब देखो ये जो चीज़ है फ्लेक्शन कहलाती है और ये एक्सटेंशन है, आगे हम डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग एरिया में, लेकिन ये फ्लेक्शन है। इसमें पैर ऐसे पूरे नहीं मुड़े हुए, आधे मुड़े हुए, तो उसको हमने बोला सेमी वर्ड। हिप भी आधा मुड़ा हुआ है और नी भी आधा मुड़ा हुआ है। तो लिथोटमी पोजिशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट हिप एंड नी आर इन सेमी फ्लेक्स पोजीशन, सेमी फ्लेक्शन में है आपकी नी एंड हिप्स। और लेग्स कैसे हैं? लेग्स दोनों अपार्ट हैं, मतलब एक साथ पास पास नहीं है, उनके बीच में गैप हो रखा है, उसको हम कहते हैं एबडक्शन। बॉडी के पास आने को बोलते हैं एडक्शन। जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरे हाथ ऐसे एडक्शन में जा रहे हैं, एड होना का मतलब पास होना, ऐसे याद रख सकते हो। एडक्शन का मतलब एड होना, पास होना, और एबडक्शन इज दूर जाना बॉडी से। तो इसमें क्या हो रहा है? लेग्स जो हैं आपके दूर जा रहे हैं, दैट्स वाई लेग्स आर इन दी एबडक्शन, ओके। तो हम लिथोटमी पोजीशन को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमारी चार बॉडी की पोजीशंस होती है, एनाटॉमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी। चार इमेजिनरी प्लेन्स को डिस्क्राइब किया गया है जो कि बॉडी के अरेंजमेंट के को बताने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो चार प्लेन्स हैं वो हैं हमारे मिड सेजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन, सेजाइटल प्लेन, इसमें ध्यान रखना है डबल टी आता है सेजाइटल में, ये बहुत एक कॉमन कन्फ्यूज़न होता है। तो मिड सेजाइटल, सेजाइटल, देन कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ये चार प्लेन हमारे
होते हैं जो कि हमारे बॉडी अरेंजमेंट को डिपिक्ट करते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फ्यूचर समझने चाहिए जिनसे इसको समझना आसान हो जाएगा। तो हमारे जो स्कल है, जैसे ये एंटीरियर पोर्शन है, आगे वाले पोर्शन को एंटीरियर कहते हैं, पीछे वाले पोर्शन को पोस्टीरियर कहते हैं। तो ये जो बोन है वाली, स्कल में ना बोन्स होती हैं, डिफरेंट कई सारी बोन होती हैं जो कि आपस में सूचर्स से जुड़ी रहती हैं। तो ये जैसे बोन है, ये है हमारी फ्रंटल बोन। ये जो बोन है फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, इधर उधर की पैराइटल बोन है। फ्रंट माने फ्रंटल होगी, पैराइटल इधर उधर की होगी, और पीछे की जो बोन है वो ऑक्सीपिटल बोन होती है। तो ये हमारी है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन, ओके। ये जो बोन है ये है हमारी पैराइटल बोन, और जो पीछे बोन होती है वो हमारी होती है ऑक्सीपिटल बोन। ओके, अब ये जो बोन है ये हमारी सूचर से जुड़ी हुई है। तो जो ये बीच वाला जो सूचर है, दोनों पैराइटल बोन को जो जोड़ रहा है, उस सूचर को हम कहते हैं सेजाइटल सूचर। और आगे फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में सूचर होता है कोरोनल सूचर, और पीछे की तरफ है लैम्बॉइड सूचर। तो पहले तो सूचर याद रखिए। अब सूचर के नाम के हिसाब से ये जो सेजाइटल सूचर, क्योंकि ये वाली है यानी यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी बॉडी को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा है प्लेन, ये वाला जो प्लेन है, ऐसे ही इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं, ये दो इक्वल डिवाइड कर रहा है, यानी जो हमारी बॉडी है ना, इसमें हम लॉन्गिट्यूडनली ये प्लेन मान रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इधर का हाफ, इधर का हाफ, इसमें दोनों इक्वल हाफ हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हों, क्योंकि इधर के साइड लीवर आता है, इधर के साइड नहीं आता। बट जो बाहर से देखोगे तो इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है, इधर भी पैर है, इधर भी पैर है, हाफ थोरैक्स इधर आया, हाफ इधर आया, ऐसे इस तरीके से इक्वली डिवाइड कर रहा है थ्रू दी सेजाइटल सूचर। और मिड है, मतलब बीच में है, तो इसलिए इसका नाम है मिड सेजाइटल प्लेन या फिर मीडियन प्लेन, ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो है कोरोनल प्लेन, यानी कि अगर हम इस प्लेन के, यानी कौन सा परपेंडिकुलर, इस तरीके से अगर मैं लूँ तो ये, यहाँ से अगर बीच में से लेते हो, बीच में से ऐसे हम बॉडी को आधा इधर आधा इधर मानेंगे, तो ये हमारा होता है कोरोनल प्लेन। ये क्योंकि कोरोनल सूचर के अलोंग होता है, यानी जैसे कोरोनल सूचर इस तरीके से है ना, यहाँ पे होती है कोरोनल सूचर कहीं पे, उसी के अलोंग है, लेकिन यहाँ नहीं है कोरोनल पे, है बीच में, जो प्लेन है वो बीच में ऐसे ऐसे है वो, यानी कि यहाँ से ऐसे, ठीक। तो इट इज परपेंडिकुलर टू सेजाइटल सूचर, दैट इज नोन एज कोरोनल प्लेन। तो सबसे पहले दो प्लेन आप याद रखने हैं, एक आपके है सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें पहले याद रखो शुरुआत में, मिड सेजाइटल प्लेन एंड कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। याद कैसे रखोगे, क्योंकि कोरोनल जो सूचर है वो कोरोनल फ्रंटल बोन को अलग करता है इससे, तो कोरोनल जो प्लेन है उसको हम फ्रंटल प्लेन भी इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, और मिड सेजाइटल को हम मीडियन प्लेन बोलते हैं, ठीक। अब आता है सेजाइटल प्लेन क्या है। जो भी मिड, जो मीडियन प्लेन है ना, मिड सेजाइटल प्लेन, उसके पैरेलल में जितने भी प्लेन होंगे, जैसे ये है आपका सेजाइटल है ना, मिड सेजाइटल प्लेन ये है, इसकी पैरेलल में चाहे यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, ऐसे पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे, मतलब हाफ पार्ट इधर ले लो, हाफ पार्ट इधर ले लो, तो उसको हम जो भी कोई पैरेलल टू मिड सेजाइटल सूचर हैं जितने भी, या मिड सेजाइटल प्लेन के पैरेलल, ये वर्ड बोला चाहिए, मिड सेजाइटल प्लेन के पैरेलल में जितने भी प्लेन हैं उन्हें हम सेजाइटल प्लेन बोलते हैं। पर आप ध्यान दो कि मीडियन प्लेन या मिड सेजाइटल के थ्रू तो बॉडी इक्वल दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, लेकिन जो भी सेजाइटल प्लेन, जैसे मान लें आप यहाँ से कट करोगे साइड से, तो आधा पार्ट छोटा कम रहा इधर, इधर ज़्यादा रह गया, इधर से करोगे राइट वाला पार्ट ज़्यादा है, लेफ्ट वाला कम है, ठीक है। तो यानी अनइक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। अच्छा, कोरोनल प्लेन को देखो, जो कोरोनल प्लेन ऐसे है, तो कोरोनल प्लेन आपकी बॉडी को एंटीरियर, ये आगे वाला हिस्सा एंटीरियर हो गया, और पोस्टीरियर, पीछे वाला पोस्टीरियर, तो कोरोनल प्लेन आप बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा प्लेन होता है ट्रांसवर्स प्लेन, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, या क्रॉस सेक्शनल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा बीच में, क्रॉस सेक्शनल प्लेन और ट्रांसवर्स भी आएगा। तो जो भी इन सेजाइटल प्लेन और कोरोनल प्लेन, इन दोनों के परपेंडिकुलर है,
वो है ट्रांसवर्स प्लेन, यानी ऐसे कट करो, यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, कोई सा भी है, ये सारे के सारे जो है आपके ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएंगे। इसमें बॉडी अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में डिवाइड होगी, इक्वल हाफ होना जरूरी नहीं है। तो ट्रांसवर्स प्लेन दोनों की परपेंडिकुलर है, कॉर्नल के भी और मिड सजाइटल के भी, और अपर और लोअर पार्ट में बॉडी को ये डिवाइड कर रहा है। अब जैसे हम बाद में पढ़ेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या मिलता है, कोई चीज़ है जब हम कॉर्नल प्लेन की बात करेंगे तो वो सारे के सारे ये आपके इन प्लेन के करस्पॉन्ड में ही हम डिस्क्राइब करते हैं।